जय श्री राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सर्कल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं पंडित शरद कुमार राजेंद्र प्रसाद जोशी अपने इस चैनल एस्ट्रो सर्कल में आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार यानी मेन डोर कैसा होना चाहिए, यानी इसकी रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर भी करें। दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आधुनिक समय में हर कोई सफल होना चाहता है, इसके लिए वह सभी प्रकार के जतन करता है। इसके बावजूद भी कुछ ही लोग को सफलता मिल पाती है। हालांकि जीवन में सफल होने के लिए किस्मत और मेहनत दोनों की ज़रूरत होती है। इन सब के साथ अगर हम वास्तु का विशेष ख्याल रखें तो चीज़ें आसान हो जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि घर का निर्माण वास्तु के हिसाब से किया जाता है, लेकिन मुख्य द्वार पर वास्तु का ध्यान नहीं रखा जाता है, जिससे घर की तरक्की रुक जाती है। अगर आपको मुख्य द्वार के वास्तु के बारे में नहीं पता है तो आइए हम जानते हैं कि वास्तु के हिसाब से मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर का मुख्य द्वार सिर्फ अंदर आने की जगह ही नहीं बल्कि ऊर्जा का भी रास्ता है। घर का मुख्य द्वार एक गुजरने वाली जगह है जहां से हम बाहरी दुनिया से घर में आते हैं, और यही वह स्थान है जहाँ से गुड लक और खुशियाँ घर में आती है। मुख्य द्वार को ज़्यादा अहमियत इसलिए दी गई है क्योंकि यह स्वास्थ्य, धन और सद्भाव को बढ़ावा देने वाली कॉस्मिक ऊर्जा को अंदर या बाहर करती है। इसके अलावा मुख्य द्वार की पहली छाप भी तय करता है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में अब मैं बताने वाला हूँ वास्तु के अनुसार घर का मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए। दोस्तों, घर का मुख्य द्वार कभी भी दीवार के कोने में नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार चार चौखटों वाला होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा सब द्वारों से बड़ा होना चाहिए, यानी घर में जितने भी दरवाजे हैं उन सब में मुख्य द्वार सब में बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा अंदर की ओर खुलना चाहिए। मुख्य द्वार पर धार्मिक चिन्ह जैसे कि स्वास्तिक, ओम, शुभ लाभ इस तरह से होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा लकड़ी का ही होना चाहिए और मुख्य द्वार में हमेशा दो पल्ले वाले दरवाजे होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा और बंधनवार यानी तोरण युक्त होना चाहिए। मुख्य द्वार पर दहलीज अवश्य होना चाहिए। जिन घरों में दहलीज नहीं होती वह वास्तु दोष की श्रेणी में आते हैं। दहलीज की पूजन करने से घर में लक्ष्मी नारायण का स्थायी निवास होता है। मुख्य द्वार के सामने हमेशा रंगोली डली हुई होना चाहिए, और जब हम बाहर से मुख्य द्वार से होकर अंदर की ओर आते हैं तो जूते या चप्पल पहनकर हमें मुख्य द्वार से अंदर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, यह मुख्य द्वार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके सामने इस वीडियो में रखा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे।